हमारे उत्तराखंड फिल्म जगत की इतनी बेहतरीन का अदाकारी और उत्तराखंड के बहुत ही चर्चित और सुंदर अभिनेत्री हमारी गीता उनियाल जी इस दुनिया में नहीं रही और उनका स्वर्गवास हो गया है। इससे हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री को बहुत क्षति पहुंचा है, बहुत ही दुख जाहिर कर रहे हैं लोग, क्योंकि ऐसे लोगों का चले जाना हमारे उत्तराखंड फिल्म जगत को बहुत ही नुकसान हुआ है और बहुत ही गंभीर जो है लोग सीरियस हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि इतनी अदाकारी और कम। उन्होंने उत्तराखंड फिल्म जगत में 300 एल्बमों में काम किया और कम से कम 15-16 गढ़वाली फीचर फिल्म में काम किया। अभी उनके हाल में ही पिक्चर रिलीज हुई थी जय धारी देवी माँ और भूली है भूली, और उससे पहले आई थी उनकी मेरु गाँव। तो काफ़ी फिल्में हैं उनकी, तो आप लोग ज़रूर देखें और मैं चाहता हूँ कि आप उनकी जो पीछे आने वाले भविष्य के जो उनके फ्यूचर हैं, उनके जो बच्चे हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो करें और उनके गीता उनियाल जी की जो आईडी है, आप लोग उनकी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनसे कुछ अर्निंग हो और उनका परिवार का जो भरण पोषण चल सके, क्योंकि उनका इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लगाव था, बहुत ही उनका योगदान रहा। और हम तो चाहते हैं कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं तो आप लोग जो हैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोग उनको जो हैं डोनेट कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब में जाके विकास उनियाल जी का और अपर गीता में जो उनका यूट्यूब चैनल है उसमें थैंक्स का जो बटन होगा, आप उस पर जाके उनका ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि 4 साल से बीमार जो हमारी गीता बहन थी, काफ़ी दिनों से जो बीमार चल रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं यूट्यूब के पीछे जो बच्चे हैं और बड़े भाई विकास उनियाल जी, इनका भी काफ़ी योगदान रहा उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में, ये भी काफ़ी काम करते हैं और कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि उनका भी एक सहयोग हो जाए और आप जितने भी संगीत प्रेमी हैं उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि निवेदन है कि आप लोग हमारे उत्तराखंड की सुपरस्टार अभिनेत्री गीता उनियाल जी का इस दुनिया से चले जाना एक फिल्म जगत को बहुत ही नुकसानदायक घड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस घड़ी में उस परिवार का एक सहारा और एकजुट होकर आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि विकास भाई जो हैं उत्तराखंड, थैंक्स का बटन दबा के और उनका सपोर्ट करें। थैंक्स का बटन करने से जो जो पैसा आप अमाउंट 100, 50, 200 जो भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा उनके खाते में जाएगा, ये कि ये नहीं कि किसी दूसरे के उसमें जाएगा। ओनली फॉर गीता उनका जो यूट्यूब चैनल है और रुद्रांश एंटरटेनमेंट उनका चैनल का नाम है। तो आप लोग उसमें जो है जाके आप लोग थैंक्स बटन दबा के उसमें जो है कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। आप रिक्वेस्ट आप लोगों से और जबरदस्ती किसी बात नहीं है, जो हमारे उत्तराखंड के सुपरस्टार गीता मैम का जो फैन है वो तो जरूर करेगा, और मैं चाहता हूँ कि करना चाहिए क्योंकि यह भी एक धर्म का काम है। और मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों का भी जो फ्यूचर बन जाए और उन मासूम बच्चों का लगे कि हाँ हमारी माँ की भी कुछ पहचान थी, हमारी माँ ने कुछ कमाया है। मेरा कहने का मतलब पैसा नहीं, लोगों को कि हमारे लोगों को कमाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है हमारी बहन गीता का सपोर्ट करें और इस फिल्म जगत का नाम रोशन करें। और एक बात मैं और रखना चाहता हूँ कि प्रत्येक अपने उत्तराखंड में जितने भी स्टूडियो हैं प्रत्येक स्टूडियो में अपनी गीता मैम की फोटो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को दिया है और उनका दायित्व और हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को भी जो है उनको
फोन आ गया है। हम लोगों को भी उनको जो है उनका फर्ज अदा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग कभी किसी स्टूडियो में एंट्री करें या जाएं, तो पहली नज़र गीता में भी पढ़े कि यह भी कोई थी, और पूछे कौन था, तो उसके बारे में कुछ लोगों को पता चले कि इन लोगों ने अपना पूरा करियर जो है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को दिया है। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जो है ज़रूर ये काम करें, किसी का भला हो जाए। और यही मौका है हम सभी को, हम सभी उत्तराखंड वासियों को, और जो हमारे उत्तराखंड फिल्म जगत के जो फैन हैं और गीता मैम के जो फैन हैं, आप सभी को जो है उनका सपोर्ट करना चाहिए। और धन्यवाद।